हरिओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य चौथा अध्याय गोकर्ण तथा धुंधुकारी संवाद। सूत जी कहने लगे, हे शौनक, श्री भगवत भक्त वैष्णवों के हृदय में अलौकिक भक्ति स्थित देखकर भक्त वत्सल भगवान मनोहर पीतांबर धारण किए हुए मुरली धारण कर भक्त समाज में आकर उपस्थित हुए। सभी वैष्णवों ने उनका जय जयकार किया। भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप निज भक्तों को दिखाया। उस स्वरूप को देखकर भक्तों को शरीर की सुध बुध ना रही और हृदय में मोर मुकुट मकराकृति कुंडल धारण किए परमानंद की मूर्ति कोटि कामदेव के सदृश लगने लगी। ऐसी तन्मय अवस्था देखकर नारद जी कहने लगे, आज मैंने इस श्रीमद् भागवत का पूर्ण रहस्य जान लिया, जिसको मूढ़ पशु पक्षी भी सुनकर पाप रहित हो जाते हैं। तब फिर कलियुगी जीव क्यों करके शुद्ध चेतना होंगे? हे मुनीश्वरों, कृपा करके यह तो बताइए कि इस क्राल कली काल में सप्ताह कथा के सुनने से कौन कौन से मनुष्य शुद्ध होते हैं? संसार के कल्याण ही तो और भी कोई सरल नवीन मार्ग है। कुमार बोले, जो मनुष्य निरंतर पाप कर्मों में संलग्न रहते हैं तथा दुराचरण द्वारा पतित समझे जाते हैं और कुमार्ग गामी क्रोधाग्नि द्वारा दग्ध कुटिल कामी झूठ बोलने वाले माता पिता के बैरी लोभी एवं वर्णाश्रम से रहित पाखंडी घमंडी हत्यारे आदि ये सब कली युग में सप्ताह यज्ञ द्वारा पवित्र हो जाते हैं। हे देवऋषि, प्रसंगवश एक पुरानी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सुनो। किसी समय तुंगभद्रा नदी के उत्तम तट पर एक शहर बसा हुआ था। उसी स्थान पर चारों वेदों का ज्ञाता कर्मनिष्ठ एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता था। भिक्षावृत्ति करने से अपना तथा कुटुम्ब का निर्वाह होता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था और वह सुंदरी श्रेष्ठ कुलोत्पन्ना थी, किंतु सदैव हट करने में प्रवीण, लोक की वार्ता बड़े चाव से सुनने वाली, बहुत विशेष बोलने वाली, निरंतर क्लेश करने वाली, जिसको कभी भी घर का काम सुहाता न था, लाजहीना कृपणा दुष्टा थी। इस तरह इन दोनों दंपतियों को प्रेम से रहते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया और बहुत सा धन भी कमाया, परंतु घर को तथा धन को संभालने वाला कोई पुत्र ना हुआ। ब्राह्मण विद्वान था, उसने ब्राह्मणों तथा दीनों को स्वर्ण दान गोदान आदि भी बहुत दिए। इतने उपाय द्वारा भी कोई संतति लाभ नहीं हुआ था। ब्राह्मण को चिंता हुई कि अब क्या करना चाहिए। लाचार होकर ब्राह्मण बेचारा घर को त्याग कर अकेला रात्रि में वन को चल दिया और यह विचार करके, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा क्योंकि पुत्रहीन मेरा जीवन किस काम का। इस तरह चलते चलते जंगल में दोपहर हो गया। जल पीने की इच्छा से वह आत्मदेव ब्राह्मण एक तालाब पर आया तो क्या देखता है कि एक सन्यासी महात्मा सामने से आ रहे हैं। पानी तो ब्राह्मण पी चुका था और यह विचार किया कि इनसे अपने दुख को कहना चाहिए क्योंकि महात्माओं से कभी भी कार्य हानि नहीं होती। आत्मदेव उदास मुक्त तो था ही, अतः आंखों में अंसू भरकर उस सन्यासी महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। यति बोला, हे विप्रदेव, ऐसे क्यों रोता है? ऐसी कौन सी चिंता ने तुझे घेर रखा है और इस निर्जन वन में अकेला क्यों फिर रहा है? तू अपने दुख के कारण को मुझे बता। ब्राह्मण बोला, हे दीन वत्सल, मैं इतना भागा हूँ कि आज तक मेरे घर में कोई भी संतान नहीं। पूर्व पितर गर्स जल पीकर आह भरे श्वास लेते हैं, अतः हे प्रभो, दया करके संतान दायक कोई उपाय बताकर मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैं इतना भाग्यहीन हूँ कि मेरे द्वारा पाली गई गाय भी कोई बछड़ा नहीं जनती, मेरे द्वारा लगाया हुआ वृक्ष भी फल नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर में और कहीं से भी फल दैववश आ जाए तो वह शीघ्र सूख जाता है। मुझ जैसे भाग्यहीन का जीवन ही व्यर्थ है। इस प्रकार से करुणा भरे शब्दों को सुनकर उस यति को बड़ी दया आई और उस ब्राह्मण के भाग्य की लिखी हुई रेखाएं देखकर तथा विचार कर यति बोला, हे विप्र, संसार में कभी कभी संतान दुख देने वाली भी होती है और देख, राजा अंग ने और सगर ने संतान पाकर भी कितने कितने दुख पाए, क्या उनका चरित्र तूने नहीं सुना? अरे पुत्र पौत्रों में व्यर्थ का मोह करना है। संतान रूपी अज्ञानपन
को चित्त से हटाकर श्री हरि भगवान का निरंतर स्मरण कर, जिससे मुक्ति पद प्राप्त हो। यह सुन ब्राह्मण बोला, हे योगनिधे, आपने जो कुछ भी कहा वह मैंने सुना, किंतु मैं तो यह निश्चय करके घर से निकला हूँ कि अपने प्राण त्याग कर पुत्र शोक से दूर हो जाऊंगा। ऐसा सुनकर यतीश्वर बोले, हे द्विजमणे, मैंने अभी अभी तेरा भाग्य फल देखा और ज्ञात हुआ कि तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई एक संतान भी नहीं है। फिर बता, कैसे तुझे उपाय बताऊं? तू व्यर्थ ममता जाल में जकड़ रहा है। संन्यास पद धारण करने से ही आनंद मिलेगा। श्रीमन नारायण भजन के सिवाय कोई दुख दूर करने का उपाय नहीं। ब्राह्मण बोला, महाराज, पुत्र बिना ज्ञान ध्यान भजन मुझे अब कुछ भी नहीं सुहा रहा है। या तो एक पुत्र मुझे दीजिए, नहीं तो आपके समक्ष ही यह प्राण विलीन हो जाएंगे। यदि ने बेचारा, यह तो मुझको आज बड़ा धर्म संकट लगा। यदि इसको कोई संतानदायक उपाय नहीं बताया तो यह अवश्य प्राणघात कर बैठेगा और ब्रह्म हत्या मेरे गले लगेगी। इससे उचित है कि इसे यह फल दे दूं, भगवान इसका भला करेंगे। यति बोले, अच्छा, तो यह एक फल ले, इसको घर जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान की कृपा से अवश्य संतान होगी, परंतु इसके नियम बड़े कड़े हैं, सो सावधान होकर सुन। तेरी स्त्री 1 साल तक रोज अतिथि को भोजन करा के स्वयं भोजन पाया करे और सदैव पतिव्रता के साथ रहे। झूठ कभी बोले नहीं, दया दान में तत्पर रहे, कलह किसी से करे नहीं, किसी के घर पर जाया आया न करे, रात्रि में अकेली ना रहे और धर्म कर्म में तत्पर रहकर शुद्धता के साथ रोज श्री हरि की आराधना करे, तो अवश्य 1 साल में सचरित्र संतान होगी। ऐसा कहकर महात्मा तो फल देकर कहीं चले गए और वह आत्मदेव ब्राह्मण वन में से पुत्र दायक फल लेता हुआ अपने घर पर लौट कर आया और आकर अपनी प्रिय पत्नी को वह फल देकर बोला, इसके खाने से अवश्य ही बुद्धिमान संतान प्रकट होगी। यति के द्वारा बताए हुए नियमों को यथाविधि पत्नी को बताकर और उसे वह उत्तम फल देकर ब्राह्मण देव कहीं बाहर किसी काम को चले गए। उस ब्राह्मण की स्त्री तो पहले ही से ही कुलटा थी। वह अपनी सहेली से जाकर आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार बोली, हे प्यारी, संतानोत्पत्ति के लिए मेरे पति ने यह फल कहीं से लाकर मुझे दिया है, परंतु इसको मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि इसके खाने से मेरे गर्भ रह जाएगा और गर्भ के कष्ट को मैं सुकुमारी किसी प्रकार सहन ना कर सकूंगी। मुझ पर कुछ खाया पिया भी ना जाएगा और इस फल के नियम भी तो बड़े ही कठिन हैं। वे नियम तो मैं किसी भी प्रकार से पालन नहीं कर सकती और फिर मैं कहाँ तक कहूँ। बाद में बालक के लालन पालन में भी बड़ा ही कष्ट होता है, इससे तो बंध्या रहना ही उत्तम है। इस प्रकार से अपनी सहेली को समझाकर उस धुंधली ने वह फल नहीं खाया। पति देव के पूछने पर कह दिया कि मैंने तो वह फल उसी दिन ही खा लिया जिस दिन आपने लाकर दिया था। एक दिन की बात है कि उसकी छोटी बहन अपनी इच्छा अनुसार बड़ी बहन धुंधली से मिलने आई। उससे भी धुंधली ने वह सब बातें सुनाई और कहा, बहन, इसी चिंता से मेरा शरीर दुर्बल होता जाता है, कोई उपाय मुझे बता। छोटी बहन बोली, बहन, तू चिंता मत कर, यह फल परीक्षा के लिए अपनी गाय को खिला दे मैं गर्भवती हूँ, जब मेरे संतान होगी तब मैं तुझे ही दे दूंगी, किसी को भी मालूम ना होने दूंगी। तू कह देना यह मेरे ही संतान हुई है और यह भेद तेरे पति देव को भी मालूम ना पड़ेगा, और मैं सब जनता में यह बात प्रकट कर दूंगी कि मेरा गर्भ तो 6 ही मास का गिर गया। मैं फिर तेरे उस बालक को नित्य दूध पिला जाया करूँगी। तुम गर्भवती बनकर घर में आनंद से रहो। स्त्रियों के स्वभाव के कारण धुंधुली ने यह बात मान ली और सन्यासी का दिया हुआ वह फल गाय को खिला दिया। तब कुछ दिन के पीछे धुंधुली की बहन के पुत्र हुआ। उसने अपने पति से कहा, देखो, किसी को भी मालूम ना पड़े, यह बालक मेरी बड़ी बहन धुंधुली को दे आओ, इसके बदले में तुम्हें बहुत सा धन मिल जाएगा और उस बेचारी का भी कल्याण हो जाएगा। स्त्री की यह बात मानकर धन के लोभ में फंसा हुआ वह पति अपने बालक को ले जाकर धुंधुली को छिपा कर सौंप आया। अब तो धुंधली ने अपने पति देव को शीघ्र बुलवाया और कहा कि देखिए, मेरे सुखपूर्वक पुत्र का जन्म हुआ है। यह अमृतमय वचन सुनकर भोला भाला वह आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, ब्राह्मण और साधुओं को धन लुटाने लगा। पड़ोसियों को मालूम हुआ कि पंडित आत्मदेव के पुत्र हुआ है, वे भी सब आनंद को प्राप्त हुए। ब्राह्मण ने उस बालक का जात कर्म किया। दष्टौन में बड़े बड़े बाजे बजने लगे, गीत मंगल आदि से घर परिपूर्ण हो गया। पति देव से एक दिन धुंधली बोली, मेरे स्तनों में दूध नहीं हुआ है और किसी अन्य जाति की स्त्री से बालक को दूध पिलाना भी अच्छा नहीं होता। मेरी समझ में यह आता है कि मेरी छोटी बहन का अभी थोड़े ही दिनों का बच्चा मर गया है और उसके स्तनों में दूध भी है, सो उसे बुलवा लें, वह कुछ दिन यहाँ रह जाएगी
और तब तक हमारे बालक का भी पोषण हो जाएगा। अपनी स्त्री की यह बात आत्मदेव जी ने मान ली और उसकी छोटी बहन को अपने घर बुलवा लिया। वह छोटी बहन घर का कामकाज भी करती रही और साथ साथ उस बालक का पालन पोषण। पंडितों ने बालक का नाम धुंधुकारी बताया। फिर 3 महीने बीतने पर उस धेनु के भी एक सुंदर बालक हुआ, जिसका रूप मनुष्यों की तरह ही था और देह की कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी। उसका जनन संस्कार आत्मदेव जी ने स्वयं किया और उसको देख देख के फूले न समाते थे। जो मनुष्य देखता था वह वही आश्चर्य करने लगता था कि गाय के बछड़ा मनुष्य जैसे शरीर का हुआ है, केवल कान ही गाय जैसे हुए हैं। सभी आत्मदेव के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। गाय जैसे कान होने से इसका नाम भी ब्राह्मणों ने गोकर्ण देव रख दिया। अब धीरे धीरे समय की वृद्धि के साथ साथ वे दोनों बालक युवापन को धारण करने लगे। थोड़े ही काल के उपरांत गोकर्ण देव बड़ा विद्वान पंडित हुआ और जगत में विख्यात होने लगा। दूसरा बड़ा भाई धुंधुकारी व्यवचारी ज्वारी चोर बनने लगा। वह कभी भी स्नान तक नहीं करता था, चंडालों के हाथ का पका हुआ अपवित्र भोजन करने वाला क्रोधी कुकर्मी दुष्ट आत्मा हुआ। अपने पड़ोसियों से शत्रुता, प्राय घर में आग लगा देना और दूसरों के खेलते हुए बालकों को पकड़कर कुएं में गिर देना, यह तो उसका रोज का कर्तव्य था। जब धुंधुकारी को पूरा यौवन छाया, तब वह मतवाला सा होकर अपने घर के धन को ले जाकर वेश्याओं को दे देता। इस हालत में पिता आत्मदेव उससे बड़े भारी दुखी होने लगे। जब धुंधुकारी ने अपने घर का आधा धन वेश्याओं को दे दिया, तब पिता आत्मदेव रो रो कर पुकारते, पर उन बेचारे की बात कौन सुनता। धुंधुकारी ने उन मोहिनी वेश्याओं की संगति में फंसकर अपने पिता का समस्त धन समाप्त कर दिया। एक दिन की बात है कि वह धुंधुकारी माता पिता को मार पीट कर घर के पीतल के बर्तनों को बेचने के लिए बाजार चल दिया। इस हालत में देखकर पिता आत्मदेव लंबे लंबे स्वरों से रोकर विलाप करने लगे। ऐसे दुष्ट पुत्र के होने से तो मैं निपुत्र ही बना रहता तो अच्छा होता। मुझसे तो सन्यासी महाराज पहले ही कहते थे कि कभी कभी संतान दुखदायक भी हो जाती है। उनके इस गुप्त वाक्यों को मैं उस समय मुंह में पड़ा हुआ समझ ना सका और आज मैं उस वाक्य का पूर्ण अनुभव कर रहा हूँ। गोकर्ण देव पिताजी को ज्ञान वैराग्य समझाने लगे। हे पिताजी, आप क्यों इस प्रकार रुदन करते हैं? कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता? सब अपने कर्मानुसार जन्म लेते हैं, मरते हैं। अतः आप सबसे मोह त्याग कर एकाग्र चित्त से पर ब्रह्म स्वरूप का चिंतन कीजिए। सब संसार मिथ्या है, संसार में केवल भगवत चिंतन ही एक सार है। इस देह का क्या अभिमान करना, यह क्षण भंगुर है। प्रिय पुत्र गोकर्ण की इस तरह की ज्ञान युक्त बातें सुनकर पंडित आत्मदेव 60 वर्ष की आयु में घर को छोड़कर वन को चले गए और साधु संतों का सत्संग कर अपना जीवन सफल करने लगे तथा नित्य सुधामयी श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद पाठ से वे जीवन मुक्त हो कृष्ण पद को प्राप्त हुए। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।